आर के आंडू और आदित्य चौधरी, ये विकास यादव के वकील हैं दोनों दोनों वकील, दो दो वकील हैं उसके पास। दूसरी तरफ यहाँ पे कहानी क्या बनाई जा रही है जी, 22 अप्रैल को अपनी बीमार बेटी को देखने गया था और वहां से वो फरार हो गया। फिर वो वकील कैसे बयानबाजी कर रहे हैं कि विकास यादव को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। झूठ कौन बोल रहा है, अमेरिका या यहाँ वाले फेकुचंद महाराज झूठ बोल रहे हैं? कोई एक तो झूठा पक्का है, अरे ये झूठा फंसेगा जरूर। क्यों फंसेगा पता है? और निखिल गुप्ता ने बचे खुचे बयान भी दे दिए। अब ये आर के अंडूर आदित्य चौधरी बोल रहे निखिल गुप्ता को तो जानता ही नहीं विकास यादव, इनको क्या पता, वो तो फरार है, वो तो फरार है, इनको कैसे पता इन वकीलों को कि भाई उसने वो उसको जानता या नहीं जानता, वो तो 22 अप्रैल से फरार है। मतलब कि फिल्मी स्टोरी बनाई जा रही है यहाँ पे, फिल्मी स्टोरी। और सरपंच बोल रहा है बोले फिल्मी स्टोरी अपनी फिल्मों में चलाओ, यहाँ नहीं चलेगी, अमेरिका के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ विकास यादव का संबंध उससे बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। अब रोका अधिकारी का लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध एक तरफ, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई कहाँ था? वो पंजाब में पैदा होया, पंजाब में पढ़ा पढ़ा, सब कुछ पंजाब में होया। जिस टाइम पे गाड़ी ऋण का कांड हुआ था उस टाइम पे उम्र ही 10 साल थी लॉरेंस बिश्नोई की, तो उम्र ही 10 साल थी। अब ये जो दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके ऊपर गुजरात में कोई केस नहीं था, फिर गुजरात की पुलिस आती है और उसको लेके जाती है लॉरेंस बिश्नोई को कि हम तो इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसको वहां ले गुजरात की जेल में लेके जा रहे हैं, और उसको साबरमती जेल के अंदर पड़ी है, सो आराम से रहता है वो वहां बैठे बैठे सारे काम कर रहा है। झूठ कौन बोल रहा है सरकार, झूठ कौन बोल रहा है? अभी तो इन झूठों के पर्दे उठेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ अमित शाह साहब का भी नाम आ रहा है गुप्त फाइल के अंदर, गृह मंत्री साहब का भी नाम है गुप्त फाइल के अंदर। अब यहाँ के वकील कुछ बोलेंगे, वहां के कुछ बोलेंगे, वो क्या करते हैं प्रूफ के तौर पे वीडियो दिखा देते हैं अमेरिका वाले, ये देखो ये रहा वीडियो, तूने यहाँ पे मीटिंग की, $15,000 तूने किसको एडवांस दिए, उन सारी चीजों के प्रूफ है, उन्होंने प्रूफ दिखा दिए। लेकिन मानने वाले नहीं अपने अपने फेकुचंद महाराज कुछ ऐसा फेंकेंगे कि किसी की समझ में नहीं आएगा कहां तक लपेटेंगे। पहले उनके वकीलों को सुनो जो इसके वकील है, विकास यादव के वकील है, क्योंकि विकास यादव को मांग रहे हैं अमेरिका भाई, अमेरिका बोल रहा है दे दो ये विकास की गंगा, हम भी बहा देते हैं थोड़ी सी। अमेरिका ने विकास यादव पर गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब उसके वकील इस मामले पर अमेरिका को खरी खोटी सुना रहे हैं, देख फिर फंसेंगे ये, अमेरिका को खरी खोटी सुना रहे हैं। कौन कौन? विकास यादव के वकील आर के आंडू और आदित्य चौधरी ने कहा कि इस कूटनीतिक संकट के बीच एक पूर्व सरकारी कर्मचारी को, ये हाँ कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी है, हाँ कर रहे हैं, ये याद रखना इस चीज को, सरकारी कर्मचारी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आंडू ने अमेरिका के आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि विकास यादव का पन्नू की हत्या की साजिश में कोई हाथ नहीं है, वो तो वो सबूत दे रहे ना, वहां पे हाँ क्यों करते हो फिर? विकास यादव के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि वो कभी अमेरिका गए ही नहीं। आंडू ने कहा विकास यादव किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था, फिर वो जेल में कैसे, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था तो वो जेल में कैसे? वकील साहब जवाब देंगे इन चीजों के, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, आरोप बेबुनियाद है और भारत के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। उसके वकीलों ने दावा किया कि विकास यादव निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा विकास यादव कथित तौर पर उनके साथ साजिश में शामिल निखिल गुप्ता को जानते तक नहीं। ओके, गौरतलब है कि अमेरिका ने आरोप लगाया विकास यादव ने भारत से पन्नू की हत्या की साजिश रचने की मुख्य भूमिका निभाई। उन पर आरोप है कि उन्होंने पन्नू के बारे में संवेदनशील जानकारी निखिल गुप्ता को दी, जिसने इसे एक हिटमैन के साथ शेयर किया जो एक अंडरकवर एजेंट था। निखिल गुप्ता को इस साल जून में प्रताड़ित करके चेक गणराज्य से अमेरिका ले आया गया है और वो अमेरिका में मुंह खोल रहा है। वो जून में ही ले आए थे और अभी तो उसका सारा मुंह खुलवा भी लिया। पिछले साल अमेरिका सरकार के कहने पर उसे गिरफ्तार किया गया था चेक गणराज्य के अंदर अमेरिका के कहने से। वहीं विकास यादव के वकील आंडू ने बताया इन आरोपों की वजह से विकास यादव की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। इस पूरे प्रकरण से उनके निजी जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद उन्हें अपमानजनक तरीके से अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए मजबूर किया गया। आंडू ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा उनकी प्रतिष्ठा का चोट पहुंची और उनकी जान का भी खतरा बना हुआ है। कहीं दूसरा नाटक तो नहीं हो जाएगा विकास यादव परमानेंट ही गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ इस देश में हो जाता है गायब करना, बहुत आसान होता है, किसी को भी गायब कर देते ही हो जाते हैं गायब, यहाँ पे बहुत नॉर्मल तरीके से ये जो खेल खेलते हैं ना, ये खेल जाते हैं उस खेल को। आप लोगों से भी एक सलाह लेनी है भाई, हम भी क्या ये पॉडकास्ट शुरू कर दें क्या, बुलाएं क्या इनको पॉडकास्ट के अंदर, आना भाई थोड़ा बताना
तू कह रहा है ये अमेरिका झूठ बोल रहा है, ये सबको पता है। आप गूगल के ऊपर लिखो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, किसका फोटो आएगा आप खुद देख लेना, आप खुद ही देख लेना। ये चीज तो कहने की नहीं है कि भाई कौन है झूठा। एक ऐसा इंसान है उसने आज तक सच बोला ही नहीं है, जिस दिन वो सच बोल देगा शायद आखिरी दिन हो सकता है, आखिरी दिन भी सच ना बोले, आखिरी दिन भी सच ना बोले एक आदमी। माँ बाप झूठे, परिवार झूठा, शादी रुकोईवा झूठी, डिग्री झूठी, ये इंसान ही पूरा झूठा है। हमें नहीं पता कौन, हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। कदे कोई चिंटू मिंटू खड़ा हो जाए कि हमारे पापा को बोल दिया, भाई तुम्हारा पापा तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमें झूठा नहीं चाहिए। कम से कम सच बोलने वाला तो देश का प्रतिनिधित्व करे, सच बोलने वाला होना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति नजर आ रही है। FBI ने विकास यादव के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसकी सूची में वह अभी फरार है। कब तक फरार रहेगा वो तो ये बताएंगे, यही बताएंगे भाई कब तक फरार रहेगा, या परमानेंट ही फरार दिखा दिया जाएगा उसको, है ना, परमानेंट ही फरार दिखा जाएगा। तुम अगर विकास यादव को सौंपोगे तो फंस गए, नहीं सौंपोगे तो फंस गए, दोनों तरफ फंस रहे हो तुम। वो निखिल गुप्ता से पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हैं। निखिल गुप्ता बयान दे रहा तोते की तरह, वो बता रहा है जी फलाना भी शामिल, ढमकाना भी शामिल, ये सभी शामिल है इसके अंदर, सभी शामिल हैं। कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात। फिर उसके पास दो दो वकील हैं, दो दो वकील हैं। वो वकील बोल रहे हैं कभी अमेरिका गए नहीं, वकीलों को क्या पता भाई रो का कौन अधिकारी कब कहाँ रहता है, वकीलों को क्या पता है, पता है क्या वकीलों को, क्या अंडूक और आदित्य चौधरी को पता है क्या कि ये कब गया या नहीं गया। ये तो ये भी बता रहे थे इनका पापा 35 साल तक भीख मांग रहा था, लेकिन वो फोटो उसके अमेरिका के मिल रहे हैं, पेरिस के फोटो मिल रहे हैं, वो भी आज से बहुत साल पहले गए, बहुत साल पहले गए, जब दुनिया ने कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी नहीं देखा था, तब तो वो डिजिटल मैसेज भेज देता था। उसका मंगल ग्रह ऐसे भी रिश्ता, बृहस्पति ग्रह ऐसे भी रिश्ता, शनि ग्रह ऐसे भी रिश्ता, हर एक राज्य ऐसे भी रिश्ता, बस एक अपनी औरत के साथ ही रिश्ता नहीं है उसका, अपनी औरत के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, है ना। करवा चौथ था, इस करवा चौथ पता चला जाता, अगले करवा चौथ पता चला जा, कम तक हम लोगों को पता तो लग जाए, पता तो लग जाए, लेकिन नहीं, इतना बड़ा झूठलर, इतनी बड़ी झूठे की सेना है, ये सेना और भी बड़ी झूठी है, यहां पर लगे हुए हैं। फिर ये हाँ क्यों कर लेते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आया। तुम्हारी टीम को वहीं बैठा रखा है वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका ने वाशिंगटन में बैठा रखा है, जब वे 12 दिन तक विदेश मंत्री को रोक सकते हैं, तुम सोच रहे हो तुम्हारी टीम 2 दिन में वापस आ जाएगी, ना, वो टीम वहां पर सारे साइन करके आएगी। ऐसे दुनिया का सरपंच नहीं है वो, अमेरिका ऐसे नहीं बने, वो तरीके से बने, तरीके से सुपर पावर है वो सुपर पावर ऐसे नहीं है। उसके एक इंसान के ऊपर, उसके देश के एक आदमी के ऊपर अगर कोई खतरा है ना, तो हिला देता है उस देश की जड़ें, हिला देता है वो। और ऐसा होना चाहिए, हर एक देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होना चाहिए, अगर अपने देश के किसी इंसान के ऊपर कोई खतरा आए तो उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन पता नहीं, किसी का नाता ही नहीं देश के साथ, बस विदेश में रहता है और अपने बड़े वाले पापा के लिए बिजनेस सेट करके आ जाता है। पता नहीं क्या हो क्या रहा देश के अंदर, या देश की जनता समझना नहीं चाहती, समझना नहीं चाह रहे हो क्या आप लोग, शायद ऐसा ही लग रहा है हमारे को। तो वो अमरीका है, पाकिस्तान ना है, तुम लेते हो और बोला खरी खोटी सुना देंगे, पेंट उतार देंगे, कोई कुछ मुंह खोल देता, को बुलवाओ ना गोबर खारिया से एक बार कि हाँ हमने किया कनाडा के अंदर ये निजर वाला केस, बुलवा दो एक बार, मान जाएंगे बहुत पक पक करता था वो, बुलवा दो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।